So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz and in today's video, I'm gonna give you the biggest update of August 2023 batch as well as February 2023 batch. That is Indian Maritime University ने अपना application form for Indian Maritime University Common Entrance Test IMUCET का release कर दिया है finally. कल 14th को evening time में ये form release हुआ था, तो मैं उस पर video बना नहीं पाया. But in this video, I'm going to give you the complete information about the application form, how you can fill the application form and a little bit information from their prospectus. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज IMUCET के बारे में. तो अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको IMU के कैंपस में एडमिशन लेना है फॉर BSc नॉटिकल साइंस, फॉर BTEC मरीन इंजीनियरिंग, फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या फिर इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना, अगर आपको नहीं पता एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स कौन है, तो ये रहा उनका लिस्ट. या फिर नीचे मैं आपको प्रॉस्पेक्टस का लिंक दे दूंगा. IMU का हर साल प्रॉस्पेक्टस आता है, उसमें वो लोग पूरा अपडेटेड सब इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वाला प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, दे आर फ्रॉम दैट प्रॉस्पेक्टस ओनली. तो अगर आपको उसमें भी एडमिशन चाहिए होता है फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो मेन है दैट इज स्पॉन्सरशिप फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो अगर इन सब के लिए अगर आपको जाना है, तो एक लास्ट स्टेप है दैट इज इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IMUCET में एक आपका एक डिसेंट रैंक होना चाहिए, या फिर एक रैंक भी रहेगा तो चलेगा, आप थोड़ा सा फाइट कर सकते हो. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है. सो दिस इज वाई IMUCET इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये फेब्रुअरी बैच में अब IMUCET होना बंद हो गया है, तो आपको अगस्त बैच वाला ही देना पड़ेगा एंड उसका ही रैंक एप्लीकेबल होगा फेब्रुअरी बैच में. खैर, इस पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको प्रॉपर समझाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े वीडियो में एक छोटा सा पार्ट मैं देता हूँ तो लोग भूल जाते हैं, इसमें मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा. तो अभी चलते हैं प्रॉस्पेक्टस पे, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है और मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं. आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रॉस्पेक्टस के स्टार्टिंग में, सबसे पहले इन लोगों का वो पार्ट है जिसमें अगर आपको IMU कैंपस में एडमिशन लेना है फॉर BTEC BSc एंड DNS, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव दे रखा है. मैं काफ़ी सिंपल वे में समझा देता हूँ. अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60% से ऊपर है एंड इंग्लिश में 50% से ऊपर है, इधर इन 10th और इन 12th, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उस ग्रेजुएशन में एनी ऑफ द ईयर में अगर इंग्लिश रहा होगा उसमें 50% से ऊपर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो. और एज क्राइटेरिया BSc DNS और BTEC के लिए सेम है, दैट इज़ फॉर मेल जनरल आपका 25 ईयर्स, OBC NCL 28 ईयर्स, SC ST 30 ईयर्स एंड फॉर फीमेल जनरल 27 ईयर्स, OBC NCL 30 ईयर्स एंड SC ST आपका 32 ईयर्स. तो ये रिलैक्सेशन के साथ मैंने आपको बता दिया, और ये बच्चे जैसे मतलब अपना एज देख लो उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज, तीन कोर्सेज DNS BSc और BTEC करने के लिए. उसके बाद प्रॉस्पेक्टस में इन लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट IMU से एफिलेटेड हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट DG से अप्रूव्ड हैं बट IMU से एफिलेटेड नहीं है. और उसके लास्ट में इन लोगों ने क्लियरली एक नोट लिखा है जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, फॉर एडमिशन टू DGS अप्रूव्ड प्रोग्राम्स जो कि हैं BTEC BSc एंड DNS इन एफिलेटेड / नॉन एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स IMUCET रैंक इज़ कंपलसरी. मतलब अगर आप एक एफिलेटेड इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन कराते हो या फिर एक नॉन एफिलेटेड जो कि DG अप्रूव्ड है उसमें भी कराते हो, तो आपको IMUCET में रैंक लाना ही है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द फॉर्म ऑफ IMUCET. अगर आप ये फॉर्म स्किप करते हो तो आपका पूरा मेहनत कर लो, कोई भी स्पॉन्सरशिप निकाल लो, कोई भी कॉलेज में BSc निकाल लो, कुछ नहीं होने वाला इस रैंक के बिना. इसके बाद एक इनका इंपॉर्टेंट नोट वाला सेक्शन आता है जिसमें दे रखा है इन लोगों ने कि अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आता है, लाइक जैसे कोविड के टाइम पे आया था, तो ये लोग IMUCET जो है उसको प्रॉक्टर्ड मोड में भी करा सकते हैं, मींस ऑनलाइन फ्रॉम होम करा सकते हैं, या फिर उसको कैंसिल करके और नॉर्मलाइजेशन मेथड पे रैंक भी दे सकते हैं, बिकॉज आपको एक रैंक चाहिए ही चाहिए फॉर एडमिशंस, तो वो आपका करा सकते हैं, इनके पास पूरा राइट है उसका. तो ये इन लोगों ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है. और उसके बाद आपका इसमें दे रखा है एडमिशन टू इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू IMU, तो इसमें ये चीज़ इन लोगों ने बार बार मेंशन की ताकि बच्चे ये फॉर्म स्किप ना करें. फॉर एडमिशन टू IMU एफिलेटेड इंस्टीट्यूट द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज टू बी फॉलोड आफ्टर क्वालिफाइंग IMUCET 2023-24. मतलब आपका आप कुछ भी करो, आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, लाइक अगर आप
TMI में जा रहा हूँ, सपोज TMI में जा रहा हूँ उनका, आप मतलब BSC के लिए चलो जा रहा हूँ, मैं DNS को तो फिर भी साइड में रखो, DNS में तो मैंडेटरी है ही है, मैं BSC की बात करता हूँ, आप TMI सेट दे रहे हो, TMI सेट का रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर किया, बट आपने IME का फॉर्म नहीं फिल किया अगर, और लास्ट में आपके पास IME का कोई रैंक नहीं है, तो आपका जितना भी मेहनत है आप क्लियर करके BSC के लिए सेलेक्ट भी हो चुके हो, तो वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाओ क्योंकि IME का आपके पास रैंक नहीं होगा। तो दैट्स वाई IME CET का जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने ये लिखा है, बट यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फेब्रुअरी बैच वाला, फॉर DNS कोर्स द CET रैंक सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर फेब्रुअरी 2024 बैच ऑल्सो, क्योंकि फेब्रुअरी वाला जो CET था IME ने कैंसिल कर दिया उसको, कि अब साल में सिर्फ एक CET होगा, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर उस अगस्त बैच के लिए और उसके अगले फेब्रुअरी बैच के लिए। तो इसलिए भी अगर आपका इस बार स्पॉन्सरशिप नहीं निकलता है DNS के लिए, तो फेब्रुअरी बैच में जब आप जरूर ट्राई करोगे, लेकिन फेब्रुअरी बैच में आप स्पॉन्सरशिप के लिए बस ट्राई करोगे, रैंक आपका यही अगस्त वाला लगेगा। तो यहाँ पे आपको जी जान लगा के मेहनत करना है CET में भी। उसके बाद इन लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि IME CET आपका कब होने वाला है, तो वो होगा आपका 10th of June 2023, और टाइमिंग दे रखा है इन लोगों ने 11 AM to 1 PM। और सिटीज़ की बात कर ले तो इन लोगों ने इस बार काफ़ी नंबर्स बढ़ा दिए हैं। इसके बाद इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखा है IME CET आपका कब होगा, IME CET आपका होने वाला है 10th of June 2023, एंड टाइमिंग विल बी फ्रॉम 11 AM to 1 PM, ये होगी टाइमिंग टेस्ट के। एंड इन लोगों ने सेंटर का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो इस बार सेंटर पूरे 86 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, एंड इन लोगों ने क्लियरली मेंशन रखा है कि इन लोगों ने सेंटर का जो ये सब बढ़ाया है बिकॉज ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन, जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज मेरे टाइम पे कुछ 20 या 22 वो थे सेंटर थे, और आज के टाइम पे अगर आप सेंटर देखोगे तो सेंटर आज के टाइम पे 86 सेंटर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए भी। और इन लोगों ने कुछ सेंटर्स को ग्रीन में मेंशन करके रखा है, ग्रीन में हाईलाइट करके रखा है, अगर आप प्रॉस्पेक्टस खोल के देखोगे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इन लोगों ने ग्रीन मेंशन कर रखा है। और इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपसे कि अगर आपको मतलब सेंटर चूज करना है तो आपको एटलीस्ट इन ग्रीन वाले सेंटर में से एक तो चूज करना ही है, क्योंकि दीज ग्रीन वन आर द कन्फर्म सेंटर, ये बदलने वाले नहीं है, बाकी जो हाईलाइटेड नहीं है दे कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। इन लोगों ने यहाँ पे ये भी लिखा है क्लियरली कि दे कैन चेंज योर सेंटर एनी टाइम एंड दे कैन एलोकेट यू एनीवेयर, अलॉट यू एनीवेयर, तो उन लोगों के पास ये राइट है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है, तो जो आपके ग्रीन वन है उसमें से आपके जो पास पड़ेगा उसमें आपके जो सेंटर चॉइस हैं उसमें आपको एक तो डालना ही पड़ेगा ग्रीन वाले में से। तो ये है इनका सेंटर वाला और IME CET। फटाक से इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ले, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 14/4/2023 से, एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट विल बी 18/5/2023, एंड हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो 26/5/2023, दैट विल बी 26 May, एंड डेट ऑफ जो IME CET है दैट इज 10th of June 2023, एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट दैट इज 19 June 2023। ये है आपका इवेंट ऑफ दिस ईयर, एंड काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा IME कैंपस के लिए 21/6/2023 से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू हैव गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू IME सेट। एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं इस पर अब एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन नहीं घुसाना चाहता, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड एक और सेपरेट वीडियो पूरा IME CET के पैटर्न पे, पैटर्न ऑलरेडी इसमें है आप नीचे जाकर पढ़ सकते हो, बट मैं अपने पास से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा कि कैसे क्या आपका क्या आता है, कैसे आता है, कैसे आपको वो अप्रोच करना है। IME CET पे तो एक पूरा प्रिपरेटरी सीरीज बनाऊंगा अभी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी जो आइटम मैं इस पर डालूँ, कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।